बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पर हमेशा बेबाकी से टिप्पणियां करती रही है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट और किया है जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी है कि ज्यादातर कंपनियों ने उनसे विज्ञापन के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल या खत्म कर लिए हैं। उन्होंने लिखा, मैं बेफालतू के डींगे नहीं मारना चाहती हूँ। मैं किसी भी फेयरनेस क्रीम की एड नहीं करती हूँ। बड़े हीरोज के साथ फिल्म आइटम नंबर और शो भी नहीं करती हूँ। अब लगभग सभी कंपनियों ने मुझसे किए कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म कर लिए हैं। इसके बावजूद मैं अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा डोनेट कर देती हूँ। इसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, आप बताइए आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? यही तो असली दौलत है। देश की सभ्यता को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे जरूर सीखना चाहूंगी। उम्मीद है कि इस पर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। अमेरिकी पॉप सिंगर को दिया था जवाब। दरअसल हाल ही में पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए कंगना ने लिखा, हम इस मुद्दे पर इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ किसानों की आड़ में आतंकी बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में रिहाना की तुलना नेहा कक्कड़ और सुनिधि चौहान से भी कर दी थी। उन्होंने रिहाना के बारे में एक रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा, जी हाँ, भारत के लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं। अगर आसान भाषा में बताऊं तो भारतीय सिंगर सुनिधि चौहान और नेहा कक्कड़ जैसी ही एक सिंगर है। उनमें ऐसा क्या खास है? यही नहीं, पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ से भी एक बार फिर उनकी ट्विटर पर वॉक युद्ध शुरू हो गया है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।